देखें फास्ट न्यूज इंडिया और आइए आज के तमाम बड़े खबरों पर नजर डालते हैं। प्रयागराज में बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने मिलकर शहर की दीदी और सूबे की कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुड़ा जोशी को संसदीय सीट से टिकट दिए जाने पर जमकर जश्न मनाया, जिसमें एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व रंग अबीर और गुलाल लगाकर शहर में फिर से होली खेली गई। जश्न में पटाखे फोड़े गए, जहां हाथों में रीता जोशी का पोस्टर लिए कार्यकर्ता दीदी के नारे लगा रहे थे और पीएम मोदी व अमित शाह को बधाइयां दे रहे थे, जहां काफी संख्या में कार्यकर्ताओं के चेहरों पर खुशी की लहर साफ झलक रही थी। हमारे संवाददाता मनोज सिंह से बात करती उषा रानी, राज्य महिला आयोग सदस्य। मैं ये कह रही हूँ कि केंद्र नेतृत्व ने जो रीता बहुगुड़ा जोशी जी को टिकट दिया, हम सब महिलाओं को बड़ा हर्ष हुआ है। आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने हमारी दीदी रीता बहुगुड़ा जोशी जी को, जो कि महिलाओं के बीच भी बहुत तस्वीर थे और सभी छात्र किसान वकील सभी के दिलों में वो बसती हैं, और ये टिकट उन्होंने दे करके हम लोग इलाहाबाद की सीट को भाजपा की गोदी में डालेंगे। सब लोग बहुत उत्साहित हैं कि हम जोर लगा करके बहुत सारे वोटों से अपनी दीदी को जिताएंगे। गठबंधन है, गठबंधन से सीधा मुकाबला है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। दीदी का व्यक्तित्व एकदम अलग है और गठबंधन से हम लोग डरने वाले नहीं है, क्योंकि हर कार्य यहाँ पे हर पदाधिकारी हर व्यक्ति दीदी का कार्यकर्ता, भाजपा के हम सब कार्यकर्ता है। हम लोग जुट करके इस सीट को ले आके पर्चे दे दीजिए। मैं महिला आयोग की सदस्य उषा रानी। मीडिया से बात करते हैं विजय सिंह, कार्यकर्ता बीजेपी। की खुशी है आप लोगों में? इसके पूर्व में इस तरह खुशी नहीं मिली थी, जिस प्रकार से डॉक्टर रीता बहुगुड़ा जोशी जी को इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से जो है टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है, प्रदेश नेतृत्व, वह बहुत अच्छा कार्य किया है। इनसे हर वर्ग के लोगों का जो है उत्साहपूर्ण जो है माहौल बना हुआ है पूरे क्षेत्र में, पूरे जमुना पार में, और इलाहाबाद शहर हो या देहात हो, सब जगह चर्चा डॉक्टर रीता बहुगुड़ा जोशी जी की हो रही है। अपना परिचय बता दें। मैं विभवनाथ भारती, प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी, अनुसूचित जाति मोर्चा उत्तर प्रदेश। मीडिया से बात करते अमित सिंह। मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय रीता बहुगुड़ा जोशी जी, इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र से टिकट मिला है। सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र पांडे जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी, और इलाहाबाद के बड़े नेता उप मुख्यमंत्री श्री किशोर मौर्य जी को मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने माननीय रीता बहुगुड़ा जोशी जी को इस लायक समझा कि इलाहाबाद से संसदीय क्षेत्र से जो बहुगुणा जी की माननीय जोशी मुरलीमा जोशी जी की कर्मस्थली रही है, उसे टिकट देकर एक बहुत बड़ा काम किया है, और उम्मीद है कि यहाँ जनता और दीदी को और यहाँ कार्यकर्ता भाजपा के हमारे जितने भी हमारे अध्यक्ष अवधेश जी हैं, सुदत्त जी हैं, सभी लोग मिलकर हमारे नेताजी को तन मन धन से जिताएंगे। और रीता बहुगुड़ा जोशी जी को टिकट देने का एक फायदा ये है भारतीय जनता पार्टी को कि डॉक्टर रीता जोशी जी एक निर्विवाद हैं। इनके टिकट मिलने से सारे जात सारे धर्म सब टूट गए हैं। इनको हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब लोग देंगे और हर जात के लोग वोट देंगे। कोई ऐसा जात है जहाँ रीता बहुगुड़ा जोशी जी से डायरेक्ट संबंध न रखती हों, या उनका व्यक्तिगत घर तक पकड़ नहीं हो। इसलिए माननीय मोदी जी को ये सीट जो उम्मीद जताएं, सारी उम्मीद जताएं, योगी उम्मीद जताएं कि इनको टिकट देकर बहुत अच्छा काम किया है, उनके झोली में ये इलाहाबाद सीट जाएगी, इतिहास कायम होगा, और भाजपा भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो अध्यक्ष लोग हैं, कार्यकर्ता लोग हैं, बूथ के अध्यक्ष लोग हैं, सभी लोग बहुत उत्साह है, परम उत्साह है। उम्मीद है कि आने वाले 12 मई को जो वोट वोटिंग होगी उसमें रिकॉर्ड टूटेगा, वोटिंग का रिकॉर्ड टूटेगा रीता बहुगुड़ा जोशी जी को, मोदी जी को, शाह जी को, योगी जी को जिताने के लिए। उज्ज्वला गैस योजना का लाभ न मिलने के कारण महिला हुई परेशान। जी हां, वाराणसी के बड़ा गांव थाना अंतर्गत पालिया शंभुपुर गांव में सरकार द्वारा चलाए गए योजना के तहत उज्ज्वला गैस योजना का लाभ न मिलने के कारण यहाँ महिला को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़ रहा है, और प्रधान द्वारा इस गांव में अभी तक कोई भी सुविधा नहीं दिया गया है, जिससे वहां के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। वाणसी से हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। कुछ समस्या है यहाँ पे, समस्या है जो यहाँ पूछते हैं लोगों से, क्या समस्या है? समस्या है कि हमें कुछ हो नहीं, ना गैस बा, सब लकड़ी बीनी ला और बनाई ला, बच्चन छोटे छोटे बच्चे बा, रास्ता भी ना बा आव जाए के, टट्टी पिसाब करा जाना, लड़का भी गिर जाला, बोला कोनो दिक्कत रोड ना बा, गैस के लिए प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत गैस का भी सुविधा हुआ था, उसमें अभी नहीं हुआ? नहीं, कुछ सुविधा ना, कुछ सुविधा ना, कुछ नहीं।
सब समस्या है जो भैया इनसे बात करते हैं। भैया बताइए, बताइए यहाँ पे क्या समस्या है। हमारे यहाँ न मकान का सिस्टम है, न हमारे यहाँ कोई भी नाला वाला जो सीधा नीचे से बनता है वो भी न यहाँ के सिस्टम, न पानी का व्यवस्था। क्योंकि हमारे यहाँ गांव में बड़ी समस्या होती है, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे गांव को देखते हुए इसके ध्यान दें। सरकार से यही निवेदन है। गोंडा में चौथी बनकटवा जो की धारी घाट ग्राम पंचायत क्षेत्र में आता है, वहां पर हर वर्ष काली माँ के एक मंदिर है जहां एक बरगद का पेड़ है। पेड़ के नीचे पूजा अर्चना किया जाता है, लेकिन गांव वालों ने सोचा कि इस मंदिर का निर्माण किया जाए। जहां गांव वालों ने आपस में मिलकर चंदा इकट्ठा करके अपनी ही मेहनत से काली माँ की मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। धारी घाट के प्रधान श्रीमती डॉक्टर उर्मिला सिंह की देखरेख में यह काम सम्पन्न हुआ। गोंडा से हमारे संवाददाता अब्दुल कयूम की रिपोर्ट। हाँ माता जी, बताएं आप ये किस मंदिर है, किसका मंदिर है ये? काली जी का मंदिर है जी। तो ये अभी ये बन रहा है, इसके पहले इसकी कंडीशन बहुत खराब थी, क्यों ऐसा खराब रही? ये निप का पेट जी। तो इसको किसी के मदद से बनाया जा रहा है कि गांव वाले बना रहे हैं? अच्छा, गांव वाले मदद कर रहे हैं, जब गांव वाले अपनी मदद से, और पैसा भी गांव वाले ही दे रहे हैं? गांव वाले हैं। अच्छा, मिस्त्री हैं तो वाले। ये कितने साल का मंदिर है लगभग? बहुत दिन का मंदिर। अच्छा, इससे आप लोगों की आस्था जुड़ी हुई है? हाँ, जी जमाना का जी जी, लेकिन ये अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये किसके सौजन्य से बनाया गया? प्रधानों की जी। अच्छा अच्छा, प्रधान जी ने जी 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 गाँव वाले की मदद। आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके बारे में, मंदिर के बारे में? बोलिए बोलिए। ये मतलब ये काली माई का मंदिर है, तो ये कितने सालों से पड़ा हुआ था ऐसा? बहुत साल हो गया जी। जी जी, काफी दिनों से पड़ा हुआ था। तो ये गांव वालों ने अपने सौजन्य से, अपने पैसे से इसको बनवाया है, किसी तरह का कोई मदद बाहर से नहीं लिया गया? जी जी जी, चलो ठीक है। आइए हम प्रधान जी से पूछते हैं कि उनके उनको क्या कहने हैं उसके बारे में। प्रधान जी आप बताएं। जी, ये ग्राम पंचायत धारी घाट का चौथी बनकटवा मजरा जी, है जी जी, और एक गांव का बहुत जीर्ण शीर्ण पुराना मंदिर है जी, काली जी, जी का मंदिर है जी जी, और गांव वालों की काफी इच्छा थी कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाए, तो किसी निधि से पैसा तो दिया नहीं जा सकता था जी जी, लेकिन गांव वालों ने बहुत अथक प्रयास करके जी, और पंचायत के प्रधान का थोड़ा सा सहयोग लेकर के, बहुत चूंकि बहुत सहयोग करने की स्थिति में प्रधान नहीं होते हैं जी जी, लेकिन लोगों का हौसला अफजाई किया जी जी। और इसमें सबसे ज्यादा सहयोग अगर किसी का रहा है तो हमारे गांव के सर्वमान्य है, लोकतंत्र सेनानी है जी जी। उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, शुरू से लेकर के और आखिरी तक उनका मदद सराहनीय रहा है जी जी। और जब जब इन लोगों ने गांव के मुखिया को बुलाया है इस मंदिर पर, तब तक गांव के मुखिया यहां पर आए हैं जी जी। और जो भी उनसे हो सका है उन्होंने पूरा प्रयास करने की कोशिश किया है जी जी। बाकी बहुत कुछ दिया नहीं जा सकता अभी, बहुत स्थिति बहुत ठीक नहीं है, केवल छत लत चार पिलर खड़े हुए हैं, छत लत पाया है अभी, इसमें और भी कार्य होने बाकी है, नल लगना है और टाइल्स लगने हैं, मूर्ति की स्थापना होनी है, उसके बाद बहुत बृहद पैमाने पर यहाँ पर जो तीज त्योहार होते हैं वो मनाए जाएंगे और बहुत अच्छी तरीके से मनाए जाएंगे। मिट्टी की पटाई होनी है, सड़क का बगल में चक मार्ग है उसकी पटाई भी होनी है, और इस मंदिर का कायाकल्प होगा आने वाले समय में जी जी। धन्यवाद। चाचा आप कुछ बोलना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में? आप बहुत पुराने हैं यहाँ के, तो अब इसके बारे में कुछ बोल दीजिए। अब से या बहुत जमाना से हैं काली माई हैं जी, आज तक बन नहीं पाई रहा जी जी। अब सबके मैंने दोनों गांव का सबकी मदद से जी मैंने विचार हो गया, तो मैंने यशो बन जा। अच्छा अच्छा, क्योंकि इससे आप लोगों की बहुत काफी आस्था जुड़ी हुई है। हाँ, तो क्योंकि ये मंदिर थी नहीं, हाँ, अब मंदिर हो गई तो लगभग इसमें अच्छे पूजे भी होंगे, इसमें जो भी वो मनाया जाएगा। ठीक है, आपके बारे में कुछ बोलना आपको?
इस मंदिर गांव घाट चौथी बनकटवा है जी जी। इसमें हम लोग बुजुर्गों के जमाने से ऐसे खड़ंजा देखते चले आए जी जी। तो हम लोग सब लोग मिल करके इसको अच्छी पोजीशन पर बनाने की कोशिश किए, मंदिर बनाने की कोशिश किए, स्थापना करेंगे और उसके बाद जी जी। हर घर के लोग सब मिल करके जी जी। इसको पैसा और मदद जांगर बल से इसको पूर्ण किए और जो कुछ अब बाकी है उसको हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि मंदिर का भी काम चालू है और कुछ दिन में ये बनकर तैयार हो जाएगा और इसमें पूजा पाठ भी चालू हो जाएगा। मैं फास्ट न्यूज इंडिया खुड़ारे से। कुशीनगर के थाना जटहा बाजार में प्राथमिक विद्यालय चिरगोंडा क्षेत्र विष्णुपुरा में कक्षा 5 के बच्चों की विदाई समारोह किया गया, जिसके मुख्य अतिथि श्री बलराम मिश्र व वेद प्रकाश मिश्रा तथा विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक राम महेश प्रजापति द्वारा किया गया। कुशीनगर से हमारे संवाददाता राजेश कुमार भारती की रिपोर्ट। फोटो हम क्या लेंगे और आगे से भी तो बड़ा बड़ा नहीं ठीक है सब को कवर खास में गुंडिया राजेश कुमार भारती थाना जहाँ बाजार कुशीनगर प्राथमिक विद्यालय चिरगोड़ा में विदाई समारोह कक्षा 5 वालों के लिए यहाँ साथ साथ होली मिलन समारोह बच्चे और अभिभावक शिक्षक कैमरामैन सरकाम हुसैन। खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही बना रहेगा, आप बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।